और भाई सब तो पहले भैया ने राम राम पवन कुमार राठौड़ की नमस्कार दैनिक हरियाणा में थारा स्वागत है और लेके चला हाँ सोना का आदमी ने जाने पा रहा किसी मोटी मोटी बेल और सोना का आदमी हमने पूरा कोर्ट में घूमते हुए मिले है। तो ये भाई खड़े हुआ और आयोगित है स्पेशल बिहानी तो आया है और किसने समर्थन देना आया है वो बाद में बात करेंगे। तो लेकिन पहले भाई सोने के भाई तो मिल लो भाई राम राम जय माता की जी। भाई आपने यू पैर रखे है मार्गदर्शक ने इसके बारे में बता दी भाई तो भारी इतना है कितने किलो तोड़ा में ना किला में कितना किला हुआ है आधे किलो आधे किले का। अच्छा और भी पैर रखे हो बाहर भीतर बाहर भी था यार बनियान थोड़ी पैर तो भाई एक बार थोड़ा हमारे दर्शक ने परिचय दे दो। मैं भिवानी से राहुल राणा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और यहाँ पे वार्ड नंबर एक से महेंद्रगढ़ जिले के भाई सोहन पहलवान का हम नामांकन कराने आए हैं। ये मेरी सारी टीम है और भी भाई हैं नारनौल महेंद्रगढ़ से भी आए हैं सभी अपने भाई पहलवान सोहन को एक बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है युवा शक्ति ने साथ दिया है हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं भारी बहुमत से विजयी होंगे। भाई सोनपाल सोन पहलवान सतवाणी वार्ड नंबर जिला महेंद्रगढ़ पार्षद के चुनाव खातर उनके सपोर्ट करने खातर स्पेशल पूछ रहे हैं अड़े और ये बयानी आए हैं। और एक चीज़ तो सही है कुछ दिख ना दिखे लेकिन जरूर ये बेल छी ना भारी भारी भाई साहब ने पैर रखी और मेरे हिसाब से आज तो थोड़ी पैर गए सारी चीज दिखेंगे शुरू होने दो आज थोड़ी पैर गए हैं सिर्फ झलक से शोरूम से जब गोदिया में जाओगे ना बहुत कुछ दिखेगा और धीरे धीरे गोदिया में मेरे हिसाब से 21 तारीख बाद शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल देखो इन चीज़ें जाए तो चर्चा नहीं करेंगे चुनावी माहौल है तो चुनाव की जनता की बात करेंगे। भाई सोनपाल हैं अपने क्षेत्र में काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं और जनता से रूबरू होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और भाई ने विश्वास भी दिलाया इसलिए हम इतनी दूर से आए हैं कि भाई एक युवा साथी है और अच्छे विचार हैं अच्छे काम करने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा आप जनता से अपील करें कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाने में एक सहायक भूमिका निभाएं। जी तो सारा ने सुन लिया भाई जी सब असल बियाणी तक चाल के आ रहे हैं मेरे हिसाब से 150 किलोमीटर तो होगा जी बियाणी तक नारनौल 120 बस तो